हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करां। रातां भी गिण गिण तारे रावां तक दी साजना तेरी। जब तक करिश्मा आपसे माफी नहीं मांगेगी, वो वलीमे की तकरीब में नहीं आ सकती। जाओ, जाके तैयार हो जाओ, मैं घर छोड़ देता हूं, तुम जाकर उनसे बात करो। तुम यूनिवर्सिटी जाती होगी तो सब तुम्हें देखते हैं। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना मैं? पता नहीं, मैंने कभी गौर नहीं किया। झूठ। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा। अन्ना जी, आप खुश तो हैं ना? मेरा मतलब है कि राष्टा खाला, उबैद भाई। हाँ, मैं खुश हूँ गुड़िया। राष्टा खाला ने कुछ और तो नहीं कहा था आपसे? तुम क्यों इतना सोच रही हो अलिशवा? वो हमारी बड़ी हैं, माँ जैसी है। अगर कुछ बोल भी दिया तो क्या हुआ? माँ जैसी सिर्फ रिश्ते में। तुम्हें तो पता है उनकी आदत है, वो छोटी मोटी बातें फौरन नोट कर लेती हैं। लेकिन नाना जी, इस तरह से आप कैसे उनके साथ एडजस्ट करेंगी? करना पड़ता है, सबको एडजस्ट करना पड़ता है, और हम लड़कियों की यही हकीकत है। धागा तो बहुत महंगा नहीं हो गया? तो फिर कैसे मैनेज कर रहे हो यार? अंकल, जो ऑर्डर बुक किए हैं वो तो पूरे करने हैं। डेफिनेटली प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम हो गया है। खैर, हम तो लोकल मार्केट को सप्लाई करते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं वो बेचारे मारे गए। अल्लाह ही रहम करे इस मुल्क के हाल पर यार, बस समझ में नहीं आता इसका क्या होगा। सब अंकल चोर लुटेरे आ गए हैं, मुल्क की किसी को फिक्र ही नहीं। मियां सब एक जैसे ही है ना, वो कहते हैं ना कि जैसी रूह वैसे फरिश्ते। अब हम भी तो कोई कम नहीं है, बिजली चोरी से लेके सिग्नल तोड़ने तक हर तरह का जुर्म करते हैं हम। जी अंकल, आप सही कह रहे हैं, जिसका जो दाव लग रहा है वो बहती गंगा में हाथ धो। छोड़ो यार, मैं तो इस तरह की बातें डिस्कस ही नहीं करता। आपकी तबीयत अपना दिल जलाने वाली बात है, फायदा तो है कुछ नहीं। ये बताओ, कोई फराह के लिए कोई लड़का वड़का देखा? जी हाँ, एक दो रिश्ते हैं नजर में, बाकी देखते हैं जो अल्लाह को मंजूर। चलो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे। बेटियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं उतना अच्छा होता है। बहन को और माँ को भी ले आना था यार। उबैद, उबैद जी, क्या हुआ मियाँ, कहाँ खो गए? कुछ नहीं। जी मैं ले आऊंगा अम्मी और बहन को इंशाल्लाह। आ जाइए, खाना खा लें। हाँ चल बेटा, आओ आओ आओ, खाना खाते हैं। आई आओ ना, आओ आए, 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 आओ ना जी, आओ। हाँ तो और क्या। अच्छा मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ये सारा दिन किस सहेलियों से बातें करती रहती है तू? अम्मी मेरी कोई एक सहेली थोड़ी ना है। सहेलियां ही है ना एक तो ये। आप भी ना मुझ पर हर बात पर शक करती रहती। उसके लिए आपकी बहू आ गई है। वैसे अब मोबाइल पे सारा दिन तू बात करती है, उसके लिए तो उबैद ही काफी है। इसे उबैद भाई भी कभी कभी ना हद कर देते। ज्यादा अपनी भाभी की हिमायत मत कर, समझी?
बहुत अच्छा करता है उबैद जो जूती के नोक पे रखा है, वरना आगे चल के तो हमारे सर पे ही निचोड़ेगी दीमू। वो दिन नहीं आएगा अम्मी, उससे पहले ही उबैद भाई उनको इस घर से ही निकाल के बाहर करेंगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि वो ऐसी गलती करे। अरे खुदा खुदा करके तो उसका घर बसा है। अरे बस गया, वरना वरना क्या, बोल बोल। ऐसे अम्मी आप इतनी भोली क्यों बन रही हैं, जैसे आपको उबैद भाई के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अच्छा ज्यादा बकवास ना कर, ये सब्जी काट के दे रही हूँ, जा हांडी चढ़ा। भाई मैं नहीं बना रही, क्यों वैसे साजदा खाला हमारे लिए कुछ नहीं भेजेंगी क्या? अरे वो जब भिजवाएंगी तब देखा जाएगा, मुझे इस वक्त भूख लगी है, जा जल्दी बना। तो मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ, चाय पापे खा लें। कम बखत, दोपहर के वक्त चाय पापे से पेट भरूंगी। हाँ तो फिर अपनी बहू से कहना था ना कि बना के जाती। तैयार हुई और चल दी। मैं नहीं बना रही, मेरे पाँव में वैसे ही बहुत दर्द हो रहा है। तेरा सतिया नाज जाए कम बख्ती मारी है, फोन पे बात करते हुए तो पैर नहीं दुखते। मनहूस नहीं तो बदशक्ली। अरे वाह, आज तो बड़े रोमांटिक मूड में चल रही है मामू, कैसा है? अल्लाह का शुक्र है फारूक भाई, काम धंधा ठीक चल रही है? बहुत अच्छा है काम धंधा। इजी लोड का क्या सीन है? इजी लोड भी है, कार्ड्स भी है। चल फिर 100-100 वाले 3 कार्ड और दे दे। ये ले। ये ठीक है। वो फारूक भाई पैसे। अबे पीछे से आवाज दे रहा है, मरा क्यों जा रहा है पैसों के लिए? मैं कहीं भागा जा रहा हूँ? नहीं वो फारूक भाई वो बड़े भाई को हिसाब। अरे बड़ा भाई, हमसे बड़ा वो क्या? नहीं नहीं बोल, हमसे बड़ा है क्या? नहीं भाई आपसे बड़ा नहीं है। अरे पैसे का तुझसे ज्यादा अच्छा है मामू, खाम खाम में टेंशन लेता है। बोले 100, बाकी का 200 हिसाब में लिख दे। अब अच्छा साहब पान खिला दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं। वैसे मतलब बाकी फिल्मों में अप्लाई नहीं किया, वरना बिल्कुल देवानंद की कॉपी था तू। कौन सा गाना गा रिया था? भूल गया। अबे सब कुछ लगा हुआ, क्यों लगा रहा है? इस पे ये डाल मामू, इस पे ये डाल दीजिए। अबे क्या हाथ गंदे कराएगा, खुद खिला दे भाई। और मैंने मिशिला शिला की जवानी जितने पोपले गोपले मैं तेरे हाथ ना। तुमसे कितनी बार कहा है ना कि यहाँ ना आया करो। अरे क्या करूं, दिल खिंचा चला आता है इधर तो। देख अबे देख ना, उस दिन तो बड़ी उद्दम लग रही। किस दिन? जिस दिन तेरे भाई का वलीमा हुआ था। तुमने कहाँ देखा मुझे? अरे मेरी जान, जहाँ जहाँ तुम वहाँ वहाँ। चुप, एक मिनट रुको जरा। अरे मेरी जान, रुका ही तो नहीं जाता। रुक। इसके लिए आने की क्या जरूरत थी? SMS कर देते ना, अगर किसी ने देख लिया तो। अगर SMS कर देता मैं, तुझे छूने का मौका मिलता मुझे? बात सुन, बहुत हो गया ये SMS और मोबाइल फोन, तुझे मुलाकात हो जानी चाहिए। मिल लेंगे, इतनी जल्दी क्या है? इधर तो देख कट्टो, अबे इधर तो देख गुलाबो, आंखों में देख ना।
मोहब्बत नजर नहीं आती तुझे? अच्छा अब हाथ छोड़, कोई देख लेगा। तो देख ले, डर किसे है? तुम ही नहीं है, मुझे तो डर है। अगर उबैद भाई ने देख लिया ना तो जान से मार देंगे तुम्हें भी और मुझे भी। भाई इतना मत डर, अगर किसी की मजाल है जो तेरी तरफ आंख भी उठा के देखे, हाथ तो कोई लगा के देखे, हाथ काट दूंगा उसका तेरे लिए मैं। जवाब सुन, एक मोबाइल देखा तेरे लिए, कब दे जाऊं? अभी क्यों नहीं लाए? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे यही अदाएं तो मार देती हैं, एकदम पटाखा लगती हो गुलाबू, उद्दम दे मार साढ़े चार, क्या कहते हैं तबाही। मेरे मोबाइल की बैटरी भी इतनी पुरानी हो गई है और सेट भी कितना पुराना हो गया है ना। मोबाइल लिया तेरे लिए? अबे अगर अभी ले आता तो दोबारा आने का चांस कैसे बनता? कितनी चलाक हो ना तुम। चलाक ही नहीं, मोहब्बत है मेरी जान। जब तक तुम्हारे लिए मोबाइल फोन पसंद किया है, टच स्क्रीन वाला। टच स्क्रीन वाला कौन सा? कौन सा? अरे वही वाला जिसमें लड़का लड़की समंदर किनारे लंबी सारे कर रहे हैं। क्या सीन है खुदा की कसम, पीछे जा रही जा रहे हैं, कोई भी नहीं, अकेले हैं, बहुत मजा कर रहे हैं वो। तो फिर कब लाओगे? जल्दी लेकर आओ ना। बस समझो आज गया। आना तो पड़ेगा तुझे। नहीं, रात को तो मैं बिल्कुल भी नहीं आ सकती। अबे अब किस चीज का डर? अब तो तेरे भाई की शादी हो गया, उसे अब किसी की परवाह नहीं होगी। अगर मोबाइल चाहिए तो आ जाना, बजा के ले जा। जी नहीं, अगर जाके देना है तो यहीं ला कर दो। नखरे बड़े करती है गुलाबों की। ठीक है, अगर नखरे नहीं सहने तो फिर तेरी यही अदाएं तो मार देती है मेरे को। ऊपर कौन है? पर भाभी का कमरा है, अगर भाभी ने देख लिया ना तो भाई को बता देंगी। तुम जाओ जल्दी। ठीक है, ये बात सुन, 12 बजे के बाद आऊंगा तुझे मोबाइल देने। मैं इंतजार करूंगी। जाने का दिल तो नहीं करता? दिल करते शहीद हो जाओ तेरे लिए। क्या हो रहा है यहाँ? हाँ? कौन थे? अरे यार, मैंने पूछा कौन था वो? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम तो इतनी खौफजदा क्यों? वो आप इस तरह अचानक से आ गए, मैं डर गई। अम्मी, आपके कंधे दबा दूं? क्यों, आज फिर तेरी किसी सहेली की सालगिरह है क्या? नहीं नहीं तो अम्मी। ऐसे लाड तो तू उसी वक्त करती है जब तेरा कोई काम हो। क्यों अम्मी, मैं क्या खुद आपके कंधे नहीं दबाने आ सकती? ये टेरेस की चाबी कहाँ है? एक तो इस घर में कोई भी चीज ठिकाने पे नहीं रहती। तू इस वक्त घर पे? वो भाई मैंने बाहर खिड़की पर देखी थी। दिमाग खराब कर दिया ये सनाबिया ने, काम में भी दिल नहीं लगता। क्या मुसीबत है, ये कोई वक्त है घर आने का? फरा आज तो बाल बाल बच गई,
अगर भाई मुझे देख लेते तो मैं तो गई थी काम से। कामचोर दबा कंधे, पता नहीं क्या सोचती रहती। बेटा अनाबिया खुश तो है ना? क्यों क्या हुआ? पता नहीं मुझे कुछ चुप चुप सी लगी। तो वो पहले कौन सा ज्यादा बोलती थे, इसलिए तो उन्हें अलमिया की गाय कहते हैं। इसलिए तो मैंने उसको गैरों में नहीं ब्याया। वैसे मुझे तो अनाजी के लिए उबैद भाई भी बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारी पसंद नापसंद से क्या फर्क पड़ता है, अनाबिया को तो पसंद है ना। उन्हें तो आप किसी बुत के साथ भी ब्याह देती ना तो वो खामोशी से हाँ कह देती। वो मेरी फर्मा बरदार बच्ची है, तुम्हारी तरह बदलिहाज नहीं है। अम्मी फर्मा बरदारी में और बेवकूफी में बहुत फर्क होता है। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे उनके लिए, लेकिन आपने अपनों के चक्कर में उन्हें पता नहीं क्या। तो ठीक किया ना, क्या मालूम क्या सलूक करते मेरी बच्ची के साथ। और वो कासिम का भी तो रिश्ता आया था, वो तो मोहल्ले का था। उसकी हरकतें देखी है तुमने, बदमाश कहीं का, हर वक्त दंगे फसाद करता फिरता है। हाँ ये तो है, लेकिन अन्ना जी तो पसंद करती थी। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। अलिशबा मेरी तरफ देखो। सब मुझे लगा इसलिए मैंने कह दिया। अच्छा तुम्हें लगा और तुम्हारे बेधड़क मुंह से निकल गया, वो भी जब जब उसकी शादी हो गई है। अम्मी सिर्फ आपके सामने ही कहा है। खबरदार जो अब इस बात का किसी के सामने जिक्र भी किया तो। अच्छा ना सॉरी। पागल ही हो गई है, जो मुंह में आता है भक्ति चली जाती। मुझे तो लगता है भाई किसी दिन यहाँ दीवार ही चुनवा देंगे। पागल हो गए बिल्कुल। पागल हो उसके दुश्मन, कोई काम वो बिलावजह नहीं करता। तू बता पूछा क्यों किया उसने ये सब? अम्मी भाई से कोई कुछ पूछ सकता है क्या जो बेचारी भाभी बोलेंगी? तू अपनी जबान बंद रख, पूछ रही हूं ना मैं। हाँ बेटा बताओ। भाभी आपने पूछा नहीं भाई से कि? नहीं। तुम टंगी हुई होगी बालकनी में, देख लिया होगा उसने। देखो जब मर्द शक करता है ना तब ये सब कुछ करता है। अम्मी भाई को तो ना खामखा शक की आदत है। चुप कर बदतमीज, भाई के लिए ऐसे बोल रही है। हाँ भाई तुम बताओ कोई खटपट तो नहीं हुई, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना? मम्मी ये क्या बातें लेके बैठ गई आप? अरे मैंने कहा ना तुम चुप करो, बात कर रही हूँ ना। अम्मी मैं कह रही हूँ ना ये इन दोनों का मामला है, आप क्यों बीच में पड़ रही हैं? है इन दोनों का मामला है? अरे मैं क्यों ना पढ़ू बीच में, मुझे भी तो पता चले कि मेरे घर में क्या चक्कर चल रहा है। हाँ तो आप भाई से पूछिएगा ना। अरे इसे भी तो मालूम होगा कि उबैद ने ऐसा क्यों किया। चुप करके बैठ। हाँ भाई। खाला मैं भी कुछ देर पहले बैल्कनी में खड़ी थी तो उबैद अचानक आ गए और
तो ये बात है। मैंने कहा ना कोई गड़बड़ जरूर है, इसीलिए तो। भाभी आप भाई के सामने तो ना जरा मोहतात ही रहा करो। क्या पट्टी पढ़ा रही है तू इसे? सही तो कह रही हूँ, अब जरा बताएं टेरेस पे जाने पर उन्होंने ये कर दिया है, आगे क्या करेंगे? अरे उबैद ने किसी को देख लिया होगा, कोई पसंद करता होगा अनाबिया को, आ गया होगा। अरे यही करीब में ही तो घर है इनका। खाला ये आप क्या कह रही हैं? खुदा की कसम ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी आप भी ना। अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने? मैंने तो ख्याल जाहिर किया कि ऐसा हो भी सकता है, तो मैं मना कर दिया, बात खत्म। और क्या, एक तो ये टीवी चैनल वालों को अल्लाह पूछे, इश्क मोहब्बत की कहानियां दिखा दिखा के सत्यानाश कर दिया सबका। अम्मी मैं आपको इसीलिए कहती हूँ ना देखा करें वो सच्ची कहानियों पर मबनी ड्रामे। अब सिर्फ टेरेस क्या लॉक किया है, आपने इतना नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया। अच्छा भाई तुम तो रोना बंद करो, मैंने तो वैसे ही कह दिया था। अभी आंसू दिखा के उबैद के सामने मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो? नहीं नहीं खाला। क्यों इतना तैयार हो रही है? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये कितनी खूबसूरत है, सारे दोस्त देखेंगे इसे। जल्दी करो देर हो रही है। अस के जो तोड़ती है वादे ए खुदा, हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा। अब तो मुझे भी दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। क्या हो गया अम्मी आपको? बिना वजह छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही है, और बजाय उबैद भाई को समझाने के आप अनाबिया भाभी पर शक कर रही हैं। अरे क्या बकवास किए जा रही है, हर वक्त तू अपने भाई की बुराई करती है, शर्म नहीं आती तुझे? अम्मी मैं सिर्फ और सिर्फ सच कह रही हूँ। क्या सच है क्या झूठ है सब सामने है, और तुझे अनाबिया से बड़ी हमदर्दी हो रही है। मैं कोई हमदर्दी नहीं कर रही हूँ अम्मी, मगर वो मेरी खालाजाद बहन है, आपकी भांजी भी है। भांजी है तो क्या सर पे बिठा लूं? ज्यादा हिमायत करने की जरूरत नहीं है उसकी, समझी? और उबैद को अगर पता चल गया ना तो उसके साथ साथ तुझे भी सबक सिखा देगा। उबैद भाई को तो ना बिना वजह शक करने की आदत है, आप सब कुछ जानती हैं और फिर भी उनकी साइड ले रही। साइड कैसे ना लूं? सारा घर चल रहा है उसके सर पे। हाँ तो ये उनका फर्ज है, कोई एहसान नहीं कर रहा है वो। है? अरे तेरे मुंह में जो आ रहा है तू बके जा रही है, ऐसा झापड़ मारूंगी अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे मुझे तो लगता है कि तू और अनाबिया मिलके मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अम्मी ऐसी कोई भी बात नहीं है, ना मैं क्यों अनाबिया के साथ मिलूंगी? ज्यादा अनाबिया की हिमायत करने की जरूरत नहीं है, हमारे सर पे सवार हो जाएगी वो, जो मुंह में आता है बोले जाती है। उबैद को तेरे बारे में उसने अगर बता दिया ना, उबैद तेरी चटनी बना देगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रही, जिसको देखो मुझे ही बातें सुनाता रहता है, बस जा रही हूं मैं सोने। जा, बड़ा सोएगी। मगर क्या करें, बहरहाल जो बेटे की पसंद, और वैसे भी अलिश्वा मेरी भतीजी भी तो है। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, अगर वो आपकी बेटी ना होती ना तो मैं इसे कभी इसकी मनमानी ना करने देती। नहीं खालदा ये तो तुम्हारी खास मेहरबानी है। सच्ची बात यह है कि अलिश्मा से तुम्हारी बढ़ती हुई मोहब्बत देखकर मैं तो। हाँ भाई साहब वही तो, अरे सारे ससुराल वाले, मेरी सारी नंदे, सब लोग यही बातें कर रहे थे, एक से एक शहाना खानदान का रिश्ता आया था इसके लिए, लेकिन मैंने। चले देखा देखा भाई साहब आपने, इस लड़के को आने की भी इतनी जल्दी थी जितनी जाने की जल्दी है। और सुनो चुप रहा करो, जब बड़े बात कर रहे होते तो बीच में नहीं बोलते।
मैं जरा आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? बड़ों की बातें सुननी भी नहीं चाहिए। Excuse me. अच्छा सुनो, आज नहीं आना, भाई को शक हो गया। नहीं नहीं, मुझ पर नहीं हुआ, वैसे आज तो मारे गए थे, भाभी ने बचा लिया। हाँ ठीक है, लेकिन जब मैं कहूंगी ना तब। ओके हाँ, आई लव यू। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में पप्पू ने तुम्हारा नाम दर्ज करवाया या नहीं? वो किस लिए? ये सबसे ज्यादा रिश्तों का रिकॉर्ड होल्डर लड़का। भाई तुम उनसे कह दो। कैसे दान निकल रहे हैं ना तुम्हारे। तुम पता है शादी में पप्पू ने सबसे ज्यादा अब्बू की बेचारगी का जिक्र किया, मेरे रिश्ते की तो कोई परवाह ही नहीं थी उन्हें। अलिशबा तुम तो अपनी पप्पू की आदत जानती हो, मैं क्या कर सकता। पता नहीं ये शादी होगी भी या नहीं। ऐसा क्यों कह रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ। अलिशबा ऐसा मत सोचा करो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम पर तो बहुत है लेकिन अपनी तकदीर पर नहीं है। कैसी बच्चों जैसी बातें करती हो, अम्मी की बातों को इतनी संजीदगी से मत लिया करो। और उधर अनाबिया को देखो, कैसे राशिदा खाला और उबैद के साथ रह रही। और फिर हमारे घर में तुम अकेली थोड़ी होगी, मैं हूँ, अब्बू है। हर दूसरे तीसरे दिन पप्पू यहाँ आके वही बातें दोहराती हैं। अगर किसी दिन अम्मी या अब्बू को गुस्सा आ गया और उन्होंने कुछ कह दिया तो पप्पू को तो मौका मिल जाएगा रिश्ता खत्म करने का। नो, कच्चे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, प्यार के मजबूत रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटा करते। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि शादी मुझे करनी है, अम्मी को नहीं। अच्छा सुनो, पापा जॉन को भी ले आया करो साथ, इतने दिन हो गए उनसे तो मुलाकात भी नहीं हुई। तुम्हारे पापा अम्मी की बातों की वजह से ही नहीं आते, वो या तो अपने काम में बिजी रहते हैं या फिर किताबों में। और सच पूछो तो अम्मी के साथ उनकी कामयाब जिंदगी का राज भी यही है। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम उन्हें जरूर साथ लाना। वरना ना, मर्जी है तुम्हारी। भाई मैं तो अपने मामू और मुमानी से मिलने आता हूँ। नीम, मुनीत, मुनीत कहाँ रह गए, जल्दी करो, देर हो रही है। इसी तरह हंसती रहा करो, अच्छी लगती हो। बस अब 4 महीने ही रह गए हैं, फिर तुम होगी, मैं होऊंगा और अच्छा चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ अम्मी, परेशान लग रही हैं? खालदा पप्पू ने फिर कुछ कह दिया? उसका तो पैसा बोलता है बेटा, उसने क्या कहना है? नहीं, मेरी समझ से बाहर है कि वो क्यों ये बात भूल जाती हैं कि वो भी इसी मकान से ब्याह कर गई हैं। तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, कल को शादी के बाद तुम्हें उसी घर में रहना है। यही सोच सोच कर तो मैं बर्दाश्त करती हूँ, पर नाम मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अलिशबा तुम्हें क्या होता जा रहा है, क्या जबान चलाना जरूरी है? मम्मी जब मैं आपको और अब्बू को परेशान देखती हूँ ना, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। बेटा ये परेशान होना, इस तरह से सोचना, ये बेटियों के माँ बाप के नसीब में लिखा हुआ होता है, और खास तौर पे जब जबकि उनकी बेटियाँ किसी बड़े घर की बहू बनने जा रही होती हैं। मम्मी क्या इंसान सिर्फ पैसे और दौलत से ही बड़ा होता है? नहीं बेटा, इंसान अपनी तरबियत, सब्र और बर्दाश्त से बड़ा होता है। तुम फिकर मत करो, मुनीब बहुत अच्छा लड़का है, बस खुदा के लिए अपने गुस्से पे काबू रखो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अब मुझे गुस्सा ना आए, आप बेफिक्र हो जाएं। क्या हुआ आज
थकन के साथ कुछ परेशान भी लग रही? मुझे बस अलिशबा की फिक्र खाई जा रही है, पता नहीं खालदा का क्या रवैया होगा उसके साथ। हाँ, इस उलझन में तो मैं भी काफी दिन से हूँ, लेकिन फिर जब अनीस भाई के बारे में सोचता हूँ तो कुछ इत्मीनान होता है, मुनीब के बारे में सोचता हूँ तो मजीद इत्मीनान होता है, और फिर मुझे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन शुरू दिन से ही खालदा का रवैया ऐसा ही है। मैं समझ रही थी कि वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। असल में ना खालदा जबान की बहुत कड़वी है, दिल की बुरी नहीं है। वैसे दिल और नीयत बदलते हुए वक्त नहीं लगता। अच्छा, आप परेशान होना छोड़ें और आराम कीजिए, इतनी टेंशन लेना ठीक नहीं है। बाज़ुकात इंसान के अंदाजे गलत भी तो साबित हो जाते। अल्लाह करे कि हमारा ये अंदाजा भी गलत साबित हो। आप फिक्र मत कीजिए, हमें अपनी औलाद की तरबियत पर पूरा भरोसा है। अगर अलिशबा की जगह अनाबिया होती ना तो मैं इतनी फिक्रमंद नहीं होती। अनाबिया खुश है ना? जी, अनाबिया बहुत खुश है। वही लड़का आया था ना? हाँ, लेकिन ये बात आप भाई को तो नहीं बताएंगी ना? फारूक नाम है ना उसका। आप उसे कैसे जानती हैं? हमारी गली में उसने झगड़ा किया था, बहुत खराब लड़का है, सब जानते हैं इस बात। झगड़ा किस बात पे हुआ था? अलिशबा की दोस्त है सानिया, उसके भाई और फारूक ने मिलकर एक लड़की के चक्कर में उस लड़की के मंगेतर को पीटा था। बहुत तमाशा हुआ था हमारी गली में, वो लोग बदला लेने के लिए आ गए थे फारूक से, फिर मोहल्ले वालों ने आपस में इनकी सुलह कराई। लेकिन हाँ, लेकिन अब वो बदल गया है। उसने इन सारे लड़ाई झगड़ों के बारे में मुझे बताया, लेकिन जब से मुझे मिला है ना वो बिल्कुल बदल गया है। तुम्हें यकीन है इस बात का? बिल्कुल। तो फिर तुम फारूक से कहो कि तुम्हारे लिए रिश्ता भेजो। अभी नहीं, अभी एक साल का इंतजार करने को कहा है। अभी जब नौकरी लग जाएगी ना फिर भेजेगा अपने घर वालों को। लेकिन जिस तरह तुम उससे मिलती हो ये बहुत खतरनाक है। हाँ, आपके टेरेस का दरवाजा बिला वजह लॉक करवा दिया मैंने। मुझे उसकी परवाह नहीं। वैसे आपको एक बात बताऊं? हाँ बोलो। खैर, वैसे अब तक तो अंदाजा हो ही गया होगा आपको। नहीं हुआ? कैसा अंदाजा? ये भाई है। फरा, फरा। जी अम्मी। अरे कहाँ तुम लोग, यहाँ बातें कर रही हो? अनाबिया उबैद आ गया, ऊपर जाओ। जी। और तुम सबके लिए चाय बनाओ, सारा वक्त खुसुर 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 पुरुक। अम्मी, हम तो अपनी बातें कर रहे थे। अपनी बातें कर रहे थे। उबैद, ये देखें शॉल लिया आपके लिए। कहाँ से आई? मैं लाई हूँ। तुम कब गई बाजार? गई नहीं थी, मंगवाई है। किससे? एक तो आप इतने सवालात करते हैं, आपको तो पुलिस में होना चाहिए था। बताओ मुझे किससे मंगवाई है? अरबाब भाई से। ये अरबाब कौन है? और तुमने उसे घर पे बुलाया था? नहीं, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि गैर मर्दों से बात तुमने नहीं करनी है, मना किया था ना। लेकिन ये के अरबाब कौन है? आप क्यों करते हैं ऐसा? मैं पूछ रहा हूँ अरबाब कौन है? घर पे कपड़े देने के लिए आता है, जानते हैं आप उसे। ओ, पठान कपड़े वाला? कल जब आप अबू से बातें कर रहे थे तब मैंने ली थी ये शॉल। ओ अच्छा, तुम ये शॉल ले रही थी? दिखाओ जरा। थैंक यू, बहुत अच्छी शॉल है।
नाराज हो गई। शौहर की बात की क्या नाराज की? आप क्यों करते हैं ऐसा? अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि ये शॉल मुझ पे कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है शॉल। एक बात कहनी थी आपसे। मुझे मोबाइल फोन दिलवा दें। क्यों? आपसे और अम्मी से बात करने के लिए। उसे रोज बात करती हो, अम्मी यहीं तुम्हारे करीब में रहती हैं, तो मिलने चली जाया करो उनसे। हाँ लेकिन कभी कोई इमरजेंसी भी तो हो सकती है। नहीं बिल्कुल नहीं, और आइंदा मत पूछ ठीक। अनाबिया जी क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं खाला। देखो बेटा शादी के बाद औरत की जिंदगी पे सिर्फ उसके शौहर का हुक्म होता है, और जो बीवियां शौहर का हुक्म नहीं मानती ना वो जिंदगी में हमेशा जलील और ख्वार होती। लेकिन मैंने तो कभी उबैद की किसी बात से इनकार नहीं किया। मानती हूं मैं, लेकिन लेकिन हो सकता है तुमसे ऐसा कुछ हो गया हो। देखो गलतियां तो इंसान से हो ही जाती है ना, लेकिन माजी को भूल जाओ, उबैद को खुश रखने की कोशिश करो, उसे प्यार दो, उसके हां में हां मिलाओ, फिर देखो वो तुम्हारे कैसे आगे पीछे घूमते। खाला आप भी मुझ पर शक कर रही हैं। नहीं मैं तुम्हें समझा रही हूं कि अब तुम्हारे हाथ में है एक इज्जत की जिंदगी। जाओ अब, कहीं वो फिर से नाराज ना हो जाए। और हां सुनो, उबैद दिल का बहुत अच्छा है, वो ये सब कुछ तुम्हारी मोहब्बत में कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगा। चलो भाई देर हो रही है। हाँ बस एक मिनट। क्यों इतना तैयार हो रही है? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये कितनी खूबसूरत है, सारे दोस्त देखेंगे इसे। मैंने क्यों कबूल कर ली उनकी दावत, और अब मना करना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन चले मैं तैयार हो गई हूं। तुम्हें इतना मेकअप करने की क्या जरूरत थी? इतना मेकअप तो नहीं किया, नॉर्मल है।
जरा अपनी लिपस्टिक देखो, कितनी गहरी है, साफ करो इसे। जी? बल्कि ऐसा करो, मुंह धो लो अपना, कोई मेकअप वगैरह ना करो। खूबसूरती सिर्फ शौहर के लिए होनी चाहिए बस। क्या वाकई मुंह धो लूं? क्या मैं मजाक कर रहा? जल्दी करो, देर हो रही है। अस के जो तोड़ती है वादे, ए खुदा सपने क्यों टूट गए सारे, तू बता। साजना बेलिया मैं कल रह गईया, क्यों यकीन ना किया मैं जूंदे मर गईया। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा। जब तक दवाइयाँ खा रहे थे तब तक बिल्कुल ठीक थे, उन्होंने जैसे ही दवाइयाँ छोड़ी है ना वही वाली हरकतें शुरू कर दी है सारी। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम किसी और को नहीं चाहती होगी। गौर से देखो, यही है मेरा आशय। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे, तू बता। तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करा। रातां वी गिण गिण तारे, रावां तक दी सा।